नमस्कार दोस्तों वेलकम टू ज्ञानेश् गुरुकुलम आज हम लोग इस क्लास में कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर देखेंगे जो कि हमारे आने वाले एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है पहला हमारा न्यूज आ रहा है विथ रेस्पेक्ट टू उत्तराखंड न्यूज क्या है दैट इज इंडिया गेट्स फर्स्ट ग्रास कंजर्वेटरी इन उत्तराखंड अल्मोरा डिस्ट्रिक्ट देखो क्वेश्चन किस फॉर्म में आएगा क्वेश्चन आएगा इंडिया गेट्स फर्स्ट ग्रास कंजर्वेटरी वॉज इनोग स्टेट आंसर क्या होगा डेट इज उत्तराखंड कुछ न्यूज़ है अगर हम एग्जैक्ट लोकेशन देखें तो इट वाज इनोग्रेटेड एट रानीखेत कहाँ पे एग्जैक्ट लोकेशन देखे तो इट वाज ऑन इनोग्रेटेड इन रानीखेत इन अल्मोरा डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड उत्तराखंड के बारे में जाने तो उत्तराखंड का जो गवर्नर है उनका नाम है लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह जो सीएम है सीएम का नाम क्या है पुष्कर सिंह धामी सीएम का नाम क्या है पुष्कर सिंह धामी कैपिटल अगर थे कि कैपिटल उत्तराखंड का दो कैपिटल है विंटर कैपिटल समर कैपिटल जो विंटर कैपिटल है वो है देहरादून एंड समर कैपिटल है वो गैरसेन में है कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज है उत्तराखंड से रिलेटेड अगर हम बात करें इंडिया का फर्स्ट क्रिप्टो गेमिंग गार्डन है कहां पे है डेट इज इन उत्तराखंड एक और न्यूज है उत्तराखंड से रिलेटेड अगर बात करें इंडिया का फर्स्ट लाइक पार्क जो कि डेवलप किया गया था किसके द्वारा उत्तराखंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वो कहां पे है पेट इज इन उत्तराखंड एग्जैक्ट लोकेशन इट इज इन कुमाऊ एक और इंपॉर्टेंट न्यूज है टू उत्तराखंड से ही अगर बात करें इंडिया का फर्स्ट पोलिनेटर पार्क इंडिया का जो फर्स्ट पॉलिडिनेटर पार्क कहां पे ओपन किया गया है इट इज ओपन इन उत्तराखंड इट्सल्फ अगर एग्जैक्ट लोकेशन देखे इट इज ओपन इन हल्डवानी एक और इंपॉर्टेंट न्यूज है विध रिस्पेक्ट टू उत्तराखण्ड इंडिया का हाइस्ट हर्बल पार्क जो भी ओपन किया गया था कहां पे उत्तराखंड में अगर हाइट हाइट देखे फ्रॉम द सी लेवल इट इज एट हाइट ऑफ इलेवन थाउजेंड फीट एक और न्यूज है हमारा उत्तराखंड से रिलेटेड अगर बात करें इंडिया का लार्जेस्ट एरोमेटिक गार्डन कहां पे ओपन किया गया है इट इज ओपन इन नैनीताल डिस्ट्रिक्ट एग्जैक्ट लोकेशन देखे तो ये पूरा हमारा ये जितना चीज देखे हम लोग ये उत्तराखंड में ही है तो उसी से इंडिया का फर्स्ट ग्रास कंजर्वेटरी जो कि मिला है उत्तराखंड उत्तराखंड स्टेट को अगला हमारा क्वेश्चन आ सकता है विद रेस्पेक्ट टू इंडिया फ्रांस बायोलेट्रल आर्मी एक्सरसाइज ये हमारा ये सिक्स एडिशन था ठीक है क्वेश्चन क्या आएगा दैट इज इंडिया एंड विच कंट्री क्वेश्चन क्या आएगा इंडिया एंड विच कंट्री पार्टिसिपेटेड इन द ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज एक्सरसाइज शक्ति 2021 आंसर क्या होगा आंसर विल बी फ्रांस कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में आ सकते हैं लाइक like, ये जो बायोलेट्रल आर्मी एक्साइज से रिलेटेड इंडिया एंड यूएसए इंडिया यूएसए का जो ज्वाइंट मिलिट्री एक्साइज है इस एक्साइज का नाम क्या है आंसर क्या होगा डेट इज युद्ध अभ्यास आंसर क्या होगा डेट इज युद्ध अभ्यास अगला क्वेश्चन आ सकता है इंडिया श्रीलंका बायोलेट्रल जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज ये जो जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है इस एक्सरसाइज का नाम क्या है डेट इज मित्र शक्ति क्या नाम है डेट इज मित्र शक्ति अगला हमारा न्यूज़ है स्पोर्ट्स जगत से क्वेश्चन क्या सकता is, uh, 20, आ सकता है दैट इज इंडिया टू होस्ट 2026 वर्ल्ड टी20 एंड 2025 चैंपियंस ट्रॉफी इन पाकिस्तान क्वेश्चन आ सकता है व्हिच कंट्री विल होस्ट

हेड क्वार्टर कहां पे है इज दुबई यूनाइटेड अरब एमरेट अगला हमारा न्यूज है डायरेक्टर जनरल ऑफ एनसीबी क्वेश्चन क्वेश्चन क्या आ सकता है? आ सकता सकता है है हु हैज बीन अपॉइंटेड एज ए डायरेक्टर जनरल ऑफ एनसीबी आंसर क्या होगा इज प्रधान इनका पूरा नाम क्या है डेट इज सत्यनारायण प्रधान हम बात करें एनसीबी एनसीबी के बारे में जान लेते हैं एनसीबी क्या है एक सेंट्रल लॉ एनफोर्समेंट एंड इंटेलिजेंस एजेंसी है किसके अंदर आती है दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ फॉर्म अफेयर के अंदर आती है कुछ इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट देख लेते हैं जैसे कि एनडीआरएफ एनडीआरएफ के जो चीफ हैं रिसेंटली अपॉइंट अपॉइंट हैं उनका नाम क्या है दैट इज अतुल करवाल क्या नाम अतुल करवाल अगला है सीआईएसएफ सीआईएसएफ के जो डायरेक्टर जनरल हैं किनको बनाया गया है दैट इज शील वर्धन सिंह शील वर्धन सिंह को बनाया गया शील वर्धन सिंह को बनाया गया है अगला हमारा न्यूज़ है इंडिया का

म्यांमार के बारे तो कुछ, में तो क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था दैट इज ए म्यांमार और इंडिया का जो बॉर्डर है तो इंडिया का जो स्टेट है कितने कितने सारे स्टेट म्यांमार के बॉर्डर से टच करते हैं तो आंसर तो चार स्टेट इंडिया के चार स्टेट है जो कि म्यांमार के बॉर्डर से टच करते हैं पहला हो गया हमारा मिजोरम दूसरा हमारा मणिपुर तीसरा हमारा नागालैंड चौथा हमारा अरुणाचल प्रदेश ये आप याद रख सकते हैं अगला हमारा न्यूज है कहां से आ रही है डेट इज भारत गौरव सम्मान भारत गौरव सम्मान इससे पहले हम बात कर लेते हैं भारत महोत्सव भारत महोत्सव इज द फेस्टिवल ऑफ वन इंडिया इसको ऑर्गेनाइज किया गया था इन जूरिक स्विट्जरलैंड इनका थीम क्या था भारत महोत्सव का डेट इज सेलिब्रेटिंग सेवेंटी फाइव इन ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस इसके तहत ये जो डॉक्टर दीपक हारके पूरा नाम अगर बात करें डॉक्टर बीके दीपक हारके इनको ऑनर दिया गया सम्मान दिया गया भारत गौरव सम्मान से

बीके दीपक हारके अगला हमारा न्यूज है दैट इज विथ रिस्पेक्ट टू लीजेंड्स लीग क्रिकेट ओके न्यूज क्या आ रहा है दैट इज रवि शास्त्री ये जो रवि रवि शास्त्री है, शास्त्री हैं को बनाया गया है एज अ कमिश्नर ऑफ लीजेंड्स लीग क्रिकेट हम बात करें लीजेंड्स लीग क्रिकेट क्या है दैट इज एक प्रोफेशनल इवेंट होगा फॉर द रिटायर्ड प्लेयर और बोला जा रहा है कि ये अगले साल जनवरी ट्वेंटी टू अगले साल जनवरी 22 में गल्फ में ये इवेंट करवाया जाएगा हम बात करें इनके जो को-फाउंडर एंड सीईओ हैं वो कौन है दैट इज रमन रहेजा अगला हमारा न्यूज़ है अगला हमारा न्यूज़ है विथ रिस्पेक्ट टू तो आईसीसी क्रिकेट चेयरमैन न्यूज़ आ रही है डेट बीसीसीआई बीसीसीआई के जो प्रेसिडेंट हैं सौरव गांगुली इनको अपॉइंट किया गया है एज अ चेयरमैन ऑफ आईसीसी मेंस क्रिकेट कमेटी सिमिलरली सिमिलरली क्या हुआ है ये जो आईसीसी वीमेन्स क्रिकेट कमेटी का जो चेयरमैन किन को बनाया गया डेट इज जोनी ग्रेव क्या नाम है इनका जोनी ग्रेव क्वेश्चन क्या आ सकता है हु हैज बीन रिप्लेस्ड अनिल कुंबले एज अ चेयरमैन ऑफ आईसीसी मेंस क्रिकेट कमेटी आंसर आपके सामने डेट इज सौरव गांगुली न्यूज क्या है डेट सौरव गांगुली रिप्लेसेस अनिल कुंबले एज अ आईसीसी क्रिकेट कमेटी चेयरमैन

एक और इंपॉर्टेंट न्यूज है कोटक महिंद्रा बैंक से ही कोटक महिंद्रा बैंक और इंडिगो ये दोनों मिलकर लॉन्च किया था काजिंग क्रेडिट कार्ड क्या नाम था का अगला न्यूज है हमारा किससे रिलेटेड अमेरिकन एयरलाइन से अमेरिकन एयरलाइन से रिलेटेड है तो अमेरिकन एयरलाइंस के बारे में जान लेते हैं अमेरिकन है वर्ल्ड का लार्जेस्ट एयरलाइन है बाय पैसेंजर्स

पर्पस क्या है दैट इज टू इंक्रीज वर्क फोर्स पार्टिसिपेशन ऑफ वीमेन इन एनर्जी सेक्टर देखो वर्ल्ड बैंक चाहती है ये प्रमोट करे क्या जेंडर इक्वालिटी को इंडिया इन द इंडियन इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर तो जो इंडियन इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर है इस सेक्टर में वर्ल्ड बैंक चाहती है जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट करे. तो इसी के वजह से वर्ल्ड बैंक और आईडीबीआई ये दोनों मिलकर के लॉन्च किया था वी पावर प्रोग्राम कब 2019 में 2019 में लॉन्च किया गया था वी पावर वी पावर बेसिकली क्या है ये एक नेटवर्क है कितना 28 एनर्जी सेक्टर यूटिलिटीज प्लस ऑर्गेनाइजेशन। क्वेश्चन क्वेश्चन क्या आ से बन सकता है. इंडिया पार्टनरशिप फॉरम टू इंक्रीज वर्क फोर्स पार्टिसिपेशन ऑफ वीमेन इन एनर्जी सेक्टर आंसर क्या होगा आंसर आपके सामने है. Answer will be, that is World Bank and IDBI. अगला हमारा न्यूज है वर्ल्ड फिलोसफी डे 2021. देखो वर्ल्ड फिलोसफी डे इसको सेलिब्रेट किया जा सकता है इस साल डेट इज 18 नवंबर को मनाया जा रहा है देखो ये किसके द्वारा मनाया जाता है डेट इज यूनेस्को के द्वारा मनाया जाता है पहली बार जो वर्ल्ड फिलोसफी डे सेलिब्रेट किया किया गया था वो कब मनाया गया था डेट इज एक्कीस नवंबर दो दो में मनाया गया था अगला हमारा न्यूज है नेशनल योगासन चैंपियनशिप न्यूज क्या है इज उड़ीसा सरकार ने और उड़ीसा ने होस्ट किया है इंडिया का फर्स्ट नेशनल योगासन चैंपियनशिप पे इज इन भुवनेश्वर ये जो चैंपियनशिप है किसके द्वारा होस्ट ऑर्गेनाइज किया करवाया गया था डेट इज इट इज ऑर्गेनाइज बाय द स्टेट गवर्नमेंट डेट इज उड़ीसा का स्टेट गवर्नमेंट प्लस नेशनल योगासन स्पोर्ट्स फेडरेशन ये दोनों मिल करके ये चैंपियनशिप ऑर्गेनाइज किए थे क्वेश्चन क्या आ सकता है क्वेश्चन आ सकता है फर्स्ट फिजिकल नेशनल योगासन चैंपियनशिप वॉज हेल्ड इन सिटी आंसर क्या होगा आंसर विल बी भुवनेश्वर अगला हमारा न्यूज है बुक्स एंड से रिलेटेड ये जो बुक का नाम है द सीज टू हॉर्न्स ये किसके द्वारा लिखा गया है तो क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है हु इज द ऑर्डर ऑफ द बुक टाइटल्ड द सीज विथ टू हॉर्न आंसर विल बी सुधा मूर्ति अगला हमारा न्यूज है स्टैंडर्ड चार्टर्ड सिक्योरिटीज इंडिया News क्या है दैट इज राजीव श्रीवास्तव श्रीवास्तव हैज बीन अपॉइंटेड एज न्यू सीड चारिटीज ऑफ इंडिया चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एट स्टैंड चार्टेड सिक्योरिटीज आंसर आपके सामने श्रीवास्तव अगला न्यूज है हमारा दैट इज स्वर्ण जयंती से स्वर्ण जयंती फेलोशिप प्रोग्राम

अगला न्यूज है हमारा फूटवेयर ब्रांड प्लूटो इससे रिलेटेड है तो इंडिया का फर्स्ट इंडिया का फर्स्ट डायरेक्ट टू कस्टमर फूट हेल्थ फोकस्ड ब्रांड इज प्लूटो इन्होंने राहुल द्रविड को अपना ब्रांड एम्बेडर बनाया है तो क्वेश्चन क्या सकता? आ सकता है क्वेश्चन आ सकता है हु हैज बीन ब्रांड ऑफ द किड्स फूटवेयर प्लूटो दैट इज आंसर विल बी राहुल द्रविड थैंक यू दोस्तों आपको यह सेशन कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा